और लू के प्रकोप से राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार शुक्रवार से बुधवार तक दिल्ली में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और इस दौरान 22 से 24 के बीच आंधी और गरज के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं NCR में 21 से 24 मई के दौरान आसमान में आंशिक बादल दिख सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से दिल्ली NCR के मौसम में ये बदलाव हो रहा है और इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज होगी। इससे पहले गुरुवार को आसमान साफ रहने और तीखी धूप रहने के चलते अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने का भी अनुमान जताया गया है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ बना रहेगा। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 46 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है और यहां भी मौसम साफ रहेगा। वहीं दिल्ली में आज AQI खराब श्रेणी में 250 दर्ज हुआ है, नोएडा में 245 और गुरुग्राम में 226। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।